Assalamualaikum everyone. I'm Sumar Shahzad. I hope you guys are doing well. और जो हमने पॉलिटिकल साइंस को सीरीज अभी हम इसके लिए कवर कर रहे थे, अब कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं जिनमें अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है कमेटी सिस्टम ऑफ यूके है. तो हम इसको देखते हैं कि कितनी तरह की कमेटीज होती हैं और उन कमेटीज के काम क्या क्या हैं. तो पहले तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ कमेटीज हैं जो कि यूके की पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती हैं, जिनमें नंबर 1 है कमेटी ऑफ द होल हाउस, देन स्टैंडिंग कमेटी फॉर द वेरियस पर्पसेस, देन सेलेक्ट कमेटी, देन जॉइंट कमेटी एंड प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी. ठीक है, तो हम इनको डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले होल हाउस की कमेटी होती है, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पूरा हाउस ही कमेटी बन जाता है. ठीक है, तो ये जो होल हाउस की कमेटी है इसकी भी 4 सब डिविजन्स हैं जिनमें कमेटी ऑन अ बिल है. फर्स्ट, किसी भी बिल के ऊपर कमेटी ऑफ द होल हाउस बन सकती है. मनी रेजोल्यूशंस के ऊपर कमेटी ऑफ द होल हाउस बन सकती है. कमेटी ऑफ सप्लाई, कमेटी ऑफ द वेज एंड मींस. ठीक है, ये 4 चीजों के लिए कमेटी ऑफ द होल हाउस बन सकती है. अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब हाउस पूरा मौजूद है तो उसको कमेटी में कन्वर्ट करने का क्या तुक बनता है, उसी तरह काम चलाने. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली क्या है, मोस्टली क्या ऐसा होता है कि जो असेंबली है, जो हाउस है, वो उसको कौन प्रिजाइड कर रहा होता है, स्पीकर ऑफ द हाउस प्रिजाइड कर रहा होता है. ठीक है, अब वो स्पीकर ऑफ द हाउस की कुछ कोड्स एंड कंडक्ट होते हैं, वो उन कोड्स एंड कंडक्ट से बाउंड होता है. ठीक है, उसको वो एक डेकोरम फॉलो करना पड़ता है. बट कमेटी के साथ क्या है कि कमेटी चेयर्ड होती है चेयरमैन के थ्रू. ठीक है, कमेटी का हेड कौन होता है, चेयरमैन ऑफ द कमेटी होता है. तो वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है, वो बाउंड नहीं होता कोड ऑफ कंडक्ट के जो हाउस के होते हैं उनसे. ठीक है, तो इसीलिए होल हाउस की कमेटी बनाई जाती है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टैंडिंग कमेटीज फॉर वेरियस पर्पसेस. अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, यूजुअली स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो मतलब छोटी छोटी कमेटीज होती हैं. हाउस के कुछ मेंबर्स ले लिए जाते हैं, इसका इन्वेस्टिगेटिव पर्पस होता है. जितने भी बिल लेजिस्लेचर में आते हैं पास होने के लिए, लॉ बनने के लिए, वो सबके सब स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर किए जाते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारी मौजूद होती हैं पार्लियामेंट में, किसी भी लेजिस्लेचर में ये बहुत सारी तादाद में मौजूद हो सकती है. जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 29 है इनकी तादाद. मोस्टली यूके की पार्लियामेंट में मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल इनको रेफर किए जाते हैं. इनके मेंबर्स की तादाद 16 to 50 होती है. और वेल्स और स्कॉटलैंड के जो मेंबर्स हैं वो इस कमेटी का पार्ट नहीं बन सकते. ठीक है, नॉर्मली इसका इन्वेस्टिगेटिव पर्पस होता है. ये रिकमेंडेशंस भी दे सकती है, किसी भी बिल पे अमेंडमेंट्स भी प्रपोज कर सकती हैं, और पूरी की पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है इनमें इन्होंने, जिसके ऊपर फिर हाउस में मजीद डिस्कशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेलेक्ट कमेटी. सेलेक्ट कमेटी के नाम से पता लग रहा है कि ये किसी एक स्पेसिफिक इशू को एग्जामिन करने के लिए बनाई जा रही है, और उस इशू के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी है. ठीक है, मोस्टली इनका क्या है, इन्वेस्टिगेटिव पर्पस होता है. जैसे कि हो सकता है कि किसी के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस लगे हैं, या क्या कहते हैं, असासों की नाजायज इस्तेमाल, या मतलब कुछ इस तरह के फंडिंग प्रोसेसेस होते हैं. तो इस तरह के अगर कोई केसेस किसी मिनिस्टर या हाई पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट खुल जाए, ठीक है, तो फिर इस तरह की कमेटी बना दी जाती है. ठीक है, तो इस कमेटी के मेंबर्स की तादाद 30 से 30 तक होती है, 13 से 30 तक होती है. ठीक है, ये उन ऑफिशियल्स को जिसके अगेंस्ट कोई भी इनके पास केस आया है, या इनको पता लग रहा है कि जो है ये बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको ये समन भी कर सकते हैं, उनसे इंटेरोगेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. मोस्टली क्या होता है, एक कमेटी जो है इंटरोगेशंस करने के बाद अपनी कंक्लूजन देती है, रिकमेंडेशंस देती है हाउस को. बट स्टिल इसके जितने भी काम ये कर रही है उसके बाद भी जो हाउस है वो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करने का बाउंड नहीं होता. ठीक है, हाउस अपनी ही मर्जी से चलेगा, हो सकता है कंसिडर कर ले, हो सकता है ना कंसिडर करे. तो ये 2 तरह की कमेटी होती है इसकी, मतलब सब टाइप्स हैं, एडहॉक एंड सेशनल. एडहॉक जो कमेटी है, एडहॉक सेलेक्ट कमेटी, वो तब तक रहती है जब तक एक इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता. जैसे कि एक मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हैं, वो या तो उनकी तरदीद हो जाए या तस्दीक हो जाए, तब तक वो चलती रहेगी कमेटी. और दूसरा है सेशनल कमेटी. जब तक एक हाउस का सेशन चल रहा है,
लेट्स से 4 डेज का है या 3 डेज का है या कुछ आवर्स का है, तब तक वो सेलेक्ट कमेटी मौजूद रहेगी। जब तक वो सेशन नहीं खत्म होता तब तक वो कमेटी एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है, तो ये है सेलेक्ट कमेटी का तारुफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी एज नेम मेंशंस के दोनों हाउस, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स मिल के ये कमेटी बनाते हैं। ठीक है, और ये वेरी रेयर और ओकेजनल है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हो सकता है कोई बिल है जो हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे पास नहीं कर पा रहे, या कुछ भी ऐसा इशू है कि दोनों का क्लैश आ जाता है। तो उन हालात में क्या होगा कि स्पीकर और जो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के जो हेड लॉर्ड चांसलर हैं वो मिलके कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे और एक कमेटी बना देंगे, और वो कमेटी जो है ना वो ट्राई करेगी कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए। अब यूजुअली रेयर क्यों है, ओकेजनल क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हाउस ऑफ द कॉमन्स बहुत पावरफुल है और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स बहुत कम पावरफुल है, तो मोस्टली हाउस ऑफ द कॉमन्स की ही बात प्रिवेल करती है। बट इन वेरी रेयर केसेस अगर कोई क्लैश आ जाते हैं तो इस तरह की कमेटी बना दी जाएगी। अब किसी भी जो इस तरह का मसला है जिसमें क्लैश है उसमें क्या होगा कि वोटिंग होगी, ठीक है, और फिर जो स्पीकर है ना वो रिजल्ट अनाउंस कर देंगे कि ये हमारा कंसेंसस हुआ है, इस बात पे जो है हम राजी होंगे। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कमेटी है। इसके बाद है प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी। अब हमने जब लास्ट टाइम लेजिस्लेशन में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लेकर आते हैं। ठीक है, अब ऐसे बिल जो आ गए हैं उनको हम प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी को रेफर कर देते हैं। ठीक है, कि वो लोग जो है वो उस मेंबर बिल के जो कमेटी, प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी के जो लोग हैं वो लेकर आए रिपोर्ट, ठीक है, और इम्पार्शली प्रेजेंट करें। ठीक है, और अगर अगर कोई बिल, प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी स्टेज तक पहुंचता है तो उसकी दी हुई रिकमेंडेशंस हमेशा हाउस एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में 5 कमेटीज हैं इस तरह की, और हाउस ऑफ द कॉमन्स में 4 कमेटीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो काइंडली मेंशन देम इन द कमेंट। और इसके अलावा हमने फेसबुक पेज बना दिया है जिसका नाम वर्ल्ड अफेयर्स ही है। फेसबुक पे आप उसको जो है लाइक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी PDFs लेकर आएंगे। अब इंशाल्लाह जैसे ही पॉलिटिकल साइंस खत्म होता है हम पंजाबी शुरू करने का सोच रहे हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना भी है कि नहीं। ठीक है, और काइंडली जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लेक्चर की वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि जो है हमारा भी फायदा हो जाए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।